उनके सिर पर धारण करके इस समय माता का की पूजा अर्चना की शुरुआत कर रहे हैं। और भारत में शक्ति की परंपरा, माँ भगवती के शक्ति की परंपरा का बेहद प्राचीन इतिहास रहा है और इस समय विधि विधान से माँ भगवती की पूजा आराधना करने पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्तिपीठ जशोरेश्वरी देवी में। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणई त्रयंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। नारी का नारायणी स्वरूप माँ भगवती के विभिन्न रूपों में शाक्त परंपरा में शक्ति की उपासना की परंपरा भारत की प्राचीन परंपरा का अंग है, जहाँ पर शिव एवं शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। जशोरेश्वरी के इस मंदिर में माँ भगवती के जशोरेश्वरी स्वरूप और साथ ही साथ यहाँ पर चंड के रूप में, शिव के रूप में चंड भैरव की पूजा की जाती है। देवी सरस्वती चैव तत जय मुदीरयत् एष स्वचंदन पुष्प गोग नमः।
भगवत जय कामय नमो नमः ओ गरव शरव मंगल मंगल्य शिवे सर्वात्मसाद के शरण्यत्रंबके गौरी नारायणी नमस्ते सृष्टि स्थिति विनाशान शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणामये नारायणी नमस्ते यश स्वतंत्र नमस्व ओं क्रीं जय सरेश्वरी कलिकामय नमो नमः ओ गरव जाशरे परिपदंच देवता जशरेश्वरी चन्न भैरवश्व तत्र जत्र सिद्धिमप्यत् ओ गरव कराल पदनम परम मुक्त केचि चतुर्भुजम काली कंद दक्षिणम दिव्यम मुंड माला विभूषितम शद्ध सिन्न शीर खड्ग बाल दद्ध परमुजम अभयम वरदम सैव दक्षिणुद्धत बालिकम महामेघ प्रभम शैवम तदस्यैव दिगंबरीम कंठाव सप्त मुंडाली गलोरुनिजोत्सितम कर्णापादम सदालीन शाप जुग्म भयानुपम घोर रमस्यम कराश्यम किन्नाथ पयोधरम शावानम संघात क्रीत कंचिन हशमुखिन श्रीबुद्धाय बल व्रक्त धार विस्फुरित स्वरम गुरु राम महारुद्रिं शतनालय वासिनिम
प्रदक्षिणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ भगवती की, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी देवी दुर्गे नमोस्तुते, माँ दुर्गा की आराधना के, माँ दुर्गा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वही हमारी माँ भगवती की आराधना की शाक्त परंपरा जिसमें हम शिव और शक्ति दोनों की पूजा करते हैं, और शाक्त परंपरा में जाकर शिव की परंपरा भी कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है और भगवान का स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप हो जाता है। शाक्त परंपरा ये मानती है कि शक्ति नहीं तो सिद्धि नहीं, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं, यानी कि सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान जो परंपरा शक्ति की है, शक्ति संचय करने की जो परंपरा है, वो ये मानती है शाक्त धर्म में है कि शक्ति नहीं है तो सिद्धि नहीं है, बुद्धि और समृद्धि का कोई अर्थ नहीं है, और राष्ट्र के शक्तिबोध को नए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का भी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा किया है। और अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत की सामासिक संस्कृति, भारत का सनातन संस्कृति और भारत की अनेक धर्म और सनातन धर्म के भी अनेक मत किस तरीके से आपस में समरसता से रहते हुए समूचे विश्व को समरसता का और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। माँ देवी की आराधना में या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता कहा जाता है, कांति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, यानी कि माँ देवी में उस रूप की आराधना की जाती है जो व्यक्ति में कांति, दया, विद्या, श्रद्धा, भक्ति, लक्ष्मी और शांति और शांति की आराधना की जाती है, और उस स्वरूप को जागृत करने की आराधना की जाती है कि व्यक्तियों में उस स्वरूप की आराधना हो। और यही हमारी परंपरा रही है, भारतीयता की परंपरा, जो कि कहती है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ तप करें, संगक्षध्वम संवद्ध्वम संवो मनस जानताम, ये अथर्ववेद में कहा गया है, और साथ ही साथ कठोपनिषद में कहा गया है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा भय, साथ साथ हम विश्व कल्याण के लिए तप करें। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद माताओं बहनों के साथ चित्र, यादगार चित्र खिंचवाते हुए, जो कि एक यादगार लम्हा है यहाँ के माताओं बहनों के लिए और साथ ही साथ समूचे नागरिकों के लिए। अभिवादन करते हुए समूचे भारत भारतीयता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारत भारतीयता को किस तरीके से संरक्षित रखा है हमारी माताओं बहनों ने बांग्लादेश में, उसका रूप भी आप देख रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के इस यशोश्वरी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हमारे शक्तिपीठ भारत के आदि गुरु स्वरूप को स्थापित करते हैं। ये 51 शक्तिपीठ अगर तिब्बत में मानस शक्तिपीठ में दाक्षायणी शक्तिपीठ के रूप में हैं, तो वहीं श्रीलंका में इंद्राक्षी शक्तिपीठ के रूप में हैं, पाकिस्तान में हिंगलाज शक्ति रूप के पीठ में हैं, तो बांग्लादेश में ये यशोश्वरी शक्तिपीठ, और साथ ही साथ सिलहेट में बांग्लादेश में ही 5 अन्य शक्तिपीठ, सिलहेट में महालक्ष्मी शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ, बागुरा में करतोया शक्तिपीठ, सुगंधा शक्तिपीठ जो कि खुलना में है, और चटगांव में चट्टल भवानी शक्तिपीठ। ये बताते हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति के शक्ति बिंदु जो हैं वो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं, जो कि सनातन संस्कृति के मूल आधार बिंदु हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, और यहाँ पर पहुँचने पर वो भावना और बलवती होती है, जो कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं बन निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयिनी मान